सब्सक्राइब करो दिव्या पंजाब टीवी अते बैल आइकन प्रेस करो नवीं अते ताजियां खबरां वेखण लई। अमृतसर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने आज मजीठा हल्के के गांव शहजादा में हुए पुलिस द्वारा बर्बरता की शिकार महिला का हाल जानने गुरु नानक देव अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि मैं आज घायल हुई औरत की दास्तान सुनने आया हूं। वहीं उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दास्तान विक्रमजीत सिंह मजीठिया की देन है और ये दास्तान श्रोमणी अकाली दल से शुरू हुई है और इसके जिम्मेदार श्रोमणी अकाली दल है, क्योंकि जसवीर कौर की शादी में जो कार दहेज में दी गई थी उस पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा जसवीर कौर के पति पर दर्ज किया था। वहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि अगर किसी भी कांग्रेसी पर पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया या कोई कांग्रेसी वर्कर को तंग परेशान करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह उच्च अधिकारी क्यों ना हो। यहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका ने विश्वास दिलाया कि इस पीड़ित औरत और उसके परिवार पर झूठे मामले जो पुलिस ने दर्ज किए हैं उनको खारिज किया जाएगा। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने जसवीर कौर के परिवार को इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी उठाई है। वहीं डॉक्टर वेरका ने कहा कि इस मामले की तफ्तीश बहुत तेजी से हो रही है और जो भी इंक्वायरी में दोषी पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हजूरी में जो लिखा मेरे इंसाफ होगा तो होगा, रब जरूर दवाऊगा। जे रब ने मेनु चलती बलती अग चो मेनु बचा लिया ना फिर इंसाफ मेरे ना हो जूगा। मेनु अपने वालों मार के सिट गया, जे वाहगुरु ने मेनु रखा तो वाहगुरु मेनु इंसाफ भी दवाऊगा। पुलिस कहती है कि साड़ी कोई तुहानू ले आने की कोई मंशा नहीं सी पर फिर भी तुहानू गड्डी से लग्या गया, की कहना चाहते हो? झूठ बोलती पुलिस? झूठ है, सबूत देखो तुम सबूतों से तुम यकीन क्यों नहीं आता? बकायदा वीडियो आ, तुम फिर भी मेरे तो क्वेश्चन कर दे। जो वो कहते उन्होंने कोई डंडे वगैरह ले आके सारा पिंड उन्होंने गड्डी भन्नी उन्होंने हूं जो कुछ भी कह सकती वीडियो प्रूफ दिखा दें जो उन्होंने प्रूफ मैं प्रूफ पेश किए मेरे प्रूफ पेश जो मेरे ना हो मेरे तो बाद जो होया जो कर दे उन्होंने बयान लो जो मेरे ना मैं गेट च ही मैं पुलिस वाले ने पछाणिया जिन्हें मैंने धक्का किया मैं क्या इधर आओ मेरे ना गल करो बार बार सू क्यों तंग कर दे जो कादेवासी सबूत दिखाओ भज के गड्डी च वड़ गया कल सेकंड दी हुई है कोई टाइम घंटा अद्धे घंटे दी कोई गल नहीं गड्डी दी गड़ी खड़ी है उन्हें धक्का मार के मेनू बंपर से सुट लिया पिछे मेनू की होया मेनू मेरी जान सूरी ते टंग के मेरे को क्वेश्चन कर दे जो तुसीं अज किधर दा इंसाफ है तुहाडा? देखो मैं अज इस बेटी की दास्तान सुन वास्ते आया और मैं इस केस की दास्तान तो बाद इस सिटे ते पहुंचा कि ये जिहड़ा केस है ये कांग्रेस दे लोकां नूं जिस तरीके नाल अकाली दल ने उत्पीड़न करके अकाली दल च शामिल करन वास्ते और कांग्रेस नूं दबाण वास्ते ये जिहड़े हथकंडे अपनाए सी 2.5 साल पहले इस बेटी दे पेकियां तों दाह च जिहड़ी गड्डी मिली उस गड्डी दे विच ये झूठा इल्जाम विक्रम मजीठिया ने लगवाया कि ये गड्डी चोरी दी आ ये जुलम करन वास्ते अखां बन के इस परिवार नूं गड्डी दे विच घुमाया गया और उन्हां दे जुलम तशद्दद कीते गए और 7 दिन तक ये बेटी का बयान है 7 दिन तक उन्होंने गैप रखिया और फिर भी ये परिवार अकाली दल च शामिल नहीं होया उन्होंने जुलम सहिंदा रहा। लेकिन मैं अज सलाम करदा इस परिवार नूं कि जिन्होंने जुलमां का मुकाबला किया है अज कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है इत्थे ये हुण ये जुलमां का हिसाब लेना अकाली दल वाले तुहाडे कोलों और किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये झूठे परचे जिन्हें भी तुसी करवाए ये कैंसल भी करवावांगे और झूठे परचे दर्ज करने वाले दे ऊपर परचे भी दर्ज होंगे। दलजीत सिंह ठीक है।
मैं तुहानू एक गल कही है जी, ये हुण ये जमाना लद्दिया गया जो धक्के हुंदे सी। मैं तुहानू ये कहा कि जिन्हां ने धक्का किया वो हुण सजा भी भुगतण लई तैयार रहण। मैं तो ये गल कही है कि शाजत के पिछे जड़ा मर्जी क्यों ना होवे, ये इनकुआरी स्टार्ट हो गई है, इनकुआरी होएगी, जड़ा भी दोषी होएगा कार्रवाई अवश्य होएगी। एआईजी ने साफ तौर पर इनकार किया कि साडी कोई मंशा नहीं सी बीबी नूं चुकण वाली, बावजूद भी गड्डी ते लग के देखा गया वा, इहदे बारे की कहना? देखो मैं तुहानू ये गल कही है कि उन्हां दी की मंशा सी, यह हुण जांच दा विशा है, जांच हो रही है ना, जांच दे सामने आ जाएगा। बई मैं तुहानू ये गल कही है कि मेरा कंसर्न सिर्फ इन्ना है कि कांग्रेस दे इस परिवार नू जिस तरीके नाल जुल्मां दा सामना करना पिया है, और मैं तो इस परिवार नू, मैं तुहानू जिस तरह कहा कि बई सलाम करन वास्ते आया और परिवार दे नाल खड़ा होने वास्ते आया, और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं तुहानू कहा कार्रवाई अवश्य होगी ना, हुण कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। अमन महल, दिव्या पंजाब टीवी, अमृतसर।